अब हमारे आज की एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी। हमें सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसमें कितना है 258 × 1008। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 258 × इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1000 + 8 इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना, तो कैसे, टू इसको प्रॉपर्टी में लिखना, 258 कितना आ जाएगा इंटू 1000 + ठीक है 258 × 8, ठीक है। अगर इसको करेंगे हम इंटू, तो 258 कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 0 आ जाएंगे। प्लस इसको करेंगे तो 8 8 = 64 होता है, 8 5 = 40 और 6 46 कैरी 4, 8 2 = 16 और 4 20। अब आप इसको प्लस कर सकते हैं सिंपली, 258 1 2 3 0 तो कितना आएगा 2 0 6 4, तो 4 × 4 6 × 6 0 × 0 ये 8 × 2 10 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 6 0 0 6 4, कितना आ रहा 2 6 0 0 6 4 मीन्स 1 10 100 1000 10000 lakh 2 lakh 60 000 64 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डी हमारा पार्ट है 1005 × 168, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिर अगेन हमें सिंपली इसको कैसे तोड़ना, 1000 + 5 × 168। अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूँगा तो कैसे हो जाएगा, 1000 × 168 + 168 × 5, तो ये इंटू हो जाएगा, तो 168 3 0 आ जाएंगे सीधे, क्योंकि इंटू जितने जीरो उतने आ जाते, प्लस 5 8 = 40, 5 6 = 30 और 4 34, 5 1 = 5 और 3 8। अब इनको प्लस कर सकते हैं, 1 6 8 0 0 0 तो 800 इसके नीचे आएगा 8 4 0, 0 × 0 4 × 4, 8 × 8 ये वाला 8 और ये 6 1, तो कितना है 1 6 8 8 4 0, 1 10 100 1000 lakh 1 lakh 68 840 हमारा आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू।